इंसान दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकता। हर चीज से लड़ लोगे, ये आप अच्छे से जानते हो। अगर आपके घर परिवार के रिश्तेदार, अपने खुद के लोग अगर आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं और वो आपको कुछ भला बुरा बोलने लगें, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एहसास करता हूँ ऐसी चीज़ों में, आपने भी एहसास बहुत किया होगा। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। इस सुबह हम धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। चैप्टर 21 में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, चित लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यहीं ठहरे। मतलब अभी क्या पीछे पड़ गए हैं यार, हद हो गई है। ये लोग पीछे पड़ गए हैं। अय्यूब चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसे। हम देख रहे हैं कि वो भाई लोग जो सांत्वना देने आए थे, 7 दिन चुपचाप बैठे रहे, उसकी सारी कसर निकाल रहे हैं। तीसरे पद में, मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं। मतलब कुछ तो मेरी सुन लो, कुछ तो सह लो, मैं भी कुछ बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्टा करना। मतलब जब मेरी बात खत्म हो जाए तब मेरा मजाक उड़ाना चाहो तो उड़ा लेना। लिखा है आगे, क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं? क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं फिर भी धीर क्यों ना हो? मेरी ओर देख कर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं और बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है? उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गाय रियाती हैं और गर्भ कभी नहीं गिरता। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हम से दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा। अभी अय्यूब ये बात कर रहा है कि सोच के तो देखो, अधर्मी की जिंदगी कितनी आसान और सीधी दिखती है। हर चीजें तो है उनके पास, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं। तो मैं भी कई बातों में ऐसी बातें महसूस करता हूँ। मैं इसे डिनाई नहीं करूँगा, मैं मना नहीं कर सकता इस बात से। आई सी मैनी पीपल आर देयर, यू नो मैं स्कूल चलाता हूँ और ये गरीब बच्चों के लिए है, आसपास के बच्चों के लिए। और मैं कभी स्कूल से कभी कमाने के लिए नहीं सोचा। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं स्कूल के लिए जब मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, लोगों के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आज के दिन इसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। सबसे बेहतरीन व्यवस्थाएँ, बेहतरीन चीज़ें मैं लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हम कभी कमाई नहीं पाते। हमेशा मुझे इधर से उधर से लोगों से मांगना पड़ता है कि भाई आप ऑफरिंग देंगे तो मैं स्कूल रन कर पाऊँगा, इसकी बिल्डिंग का किराया दे पाऊँगा। हो रही है, रोज़ हो रही है, सालों बीत गए। लेकिन ऐसे लोगों को देखो जो सिर्फ स्कूल चला रहे हैं, जिनकी मतलब रोजी रोटी है स्कूल चलाना, और वो लोग रोजी रोटी कमा के भी और बढ़िया गाड़ियां खरीद रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मेरा भी दुख है। ओके, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इन बच्चों के जीवन को तू संभाल। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो बुराइयां करते हैं, और उनके जीवन में वो सभी तरह के बुरे काम हैं, हर तरह की चीज़ें आप जो भी जानते हैं, दुनिया के लोग जो करते हैं यार भी बहुत सारी बातें। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए कि प्रभु इन बच्चों की ज़िंदगी बना। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले में मैंने कभी उन्नति नहीं देखी। अच्छा, मैंने कई बार कोशिश की, प्रभु मैं स्कूल बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए यार, मैं क्यों परेशान होता रहूं? लेकिन मैं कभी बंद भी नहीं कर पाया। ऐसे रास्ते खुलते रहना, चलो चलने दो। बिकॉज आई नो द वर्क व्हाट वी आई एम डूइंग हियर। जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम से लोगों की ज़िंदगी में बड़े बदलाव को देख रहा हूँ। दैट्स इम्पॉर्टेंट। प्रभु जानता है सब बातों के पीछे। मैं ये सोचता हूँ, देखिए आज की रोटी मैंने खा ली, आज मैं जीवित हूँ, आज मेरी आंखों में किसी ऐसी घटी के कारण आंसू नहीं है। धन्यवाद के दिन है, आगे बढ़ो। राइट टाइम हमने देखा है, हमेशा परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। 19 पद में लिखा है, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया, उनके घर को छीन लिया, उनको वह बढ़ाने ना पाएगा। लालसा के मारे उनको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वे अपनी कोई मनमानी वस्तु बचा ना सकेगा। 15 पद में लिखा है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है,
क्या वे वायु के समान उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ी हुई भूसी के समान होते? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप ही पी ले, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो उसके बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान नहीं सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों को भी न्याय करता। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है, उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। कोई अपनी जीव में कुड़कुड़कर बिना सुख के भोग मारे जाता है और वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे? परंतु क्या तुमने बटोयों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उसके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा? उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं और उसके पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते रहते हो? कठोर शब्दों के साथ अय्यूब ने बात की है, और क्यों ना बात करे? तकलीफ तो है, जब तकलीफ है तो दर्द है, तो आह तो निकलेगी। पर बहुत सारी बातें सच है, ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही देखते हैं। पर इनका जवाब हमें कहाँ मिलता है? जब ऐसे लोगों के साथ है तो जवाब कहाँ मिलता है? जवाब मिलता है अगली पुस्तक में, जो कि है भजन संहिता। भजन संहिता में भी कई बार ये सवाल पूछे गए, दाऊद ने पूछे और भी लोग बोल रहे हैं, और उसका जवाब भी भजन संहिता में मिलता है। क्या होता, धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत सी पड़ती हैं, लेकिन प्रभु यहोवा उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। उसे विपत्तियां तो हों, लेकिन परमेश्वर उसे मजबूत बनाता ताकि वह हर विपत्ति का सामना करे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मेरे प्रियो, एंड यू नो व्हाट, यू हैव टू बिलीव ऑन इट। आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर, जैसा वो खुद कहता है कि मैं तुझे तेरे सहने से अधिक बढ़कर दुख में नहीं पड़ने दूंगा। गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग, एंड गॉड विल प्रोटेक्ट हिज प्रॉमिस। उसका जो वाचा है उसे वो पूरा करेगा। आमेन। सो लेट्स प्रे टुगेदर। लॉर्ड, आई नो दिस, कि प्रभु जानता हूँ, और प्रभु हम अपने जीवन में देखते हैं दुष्टों की युक्तियाँ कई बार अधिक सफल होती देखी हैं हमने, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है दुष्टियों की युक्तियों में ना बैठना, उनके साथ ना चलना। प्रभु हम ऐसे बातों से दूर रहे। लोगों को फलते फूलते देखा है, लेकिन उनका फलना फूलना और देखना और उस पर मन लगाना भी पाप समान है। प्रभु उद्धार उनका नहीं, उद्धार हमारा है, क्योंकि हमने तेरे अनुग्रह से उपाया जो तूने हम पर किया उसके लिए शुक्रिया। हमें और अधिक मजबूत बना ताकि हर परिस्थिति का सामना हम करें तेरे नाम में, तेरी मर्जी में, तेरे द्वारा। रास्ते खोल, मर्जी पूरी कर। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, उसकी योजनाएं आपके लिए पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।